एपिसोड 183 नमूना। रक्षा को लग रहा था कि सोनाली शायद ये काम तुरंत कर लेगी। सोनाली भी कार्ड की चमक देखकर अंदर ही अंदर बहुत मुस्कुरा रही थी। उसको लग रहा था कि रक्षा की दोस्ती उसके लिए बड़ा फायदे का सौदा है। रक्षा फिर से उसे समझाते हुए कहती, एक बात याद रखना, सैंपल लेते वक्त उसको दर्द नहीं होना चाहिए। सोनाली ने तुरंत अपना सर हिलाकर कहा, हाँ बिल्कुल नहीं। सोनाली के ऊपर रक्षा को भी पूरा विश्वास नहीं था, इसलिए उसने धमकाते हुए उससे कहा, एक बात और अच्छे से ध्यान रहे कि मुझे सिर्फ ब्लड सैंपल ही चाहिए, और अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो फिर। सोनाली के मन में पहले से ही कुछ ऐसा प्लान चल रहा था जिससे वो रक्षा को बेवकूफ बना दे, पर रक्षा की धमकी सुनकर सोनाली डर गई और उसने तुरंत डरी हुई आवाज में उससे कहा, नहीं नहीं भला मैं ऐसा क्यों करूंगी, मेरी इतनी मजाल कि मैं मल्होत्रा परिवार की मालकिन के साथ कुछ गलत करूं। रक्षा गंभीर आवाज में उससे कहती, ठीक है फिर तुम जा सकती हो, मुझे तुम्हारे फोन का इंतजार होगा। सोनाली तुरंत वहां से निकल जाती। रास्ते में वो सोच रही थी कि वो भला अनन्या से कैसे उसका ब्लड सैंपल ले पाएगी, वो लड़की भी इतनी सीधी साधी नहीं है जो उसकी बातों में आ जाए। सोनाली ने सोच लिया था कि उसे अब किसी भी कीमत पर अनन्या का ब्लड सैंपल लेना ही है। वो किसी भी हाल में रक्षा को गुस्सा नहीं दिला सकती। मुख्यमंत्री की बीवी को गुस्सा दिलाने का मतलब उसकी जिंदगी पर खतरा पड़ जाना। वो तुरंत अनन्या को फोन मिलाती है। अनन्या फोन उठाकर कहती है, हेलो मामी। सोनाली बिना वक्त बर्बाद किए सीधे बोल देती है, अनन्या मेरे पास तेरी माँ की कुछ पुरानी चीजें बची है, क्या तुझे वो चीजें चाहिए? ये सुनकर अनन्या के अंदर एक अलग ही खुशी आ जाती है। उसके पास अभी तक उसकी माँ का दिया हुआ कुछ भी नहीं था। उसने तो आज तक अपनी माँ को कभी देखा भी नहीं था, इसलिए उसके लिए ये खबर बहुत जरूरी थी। उसने तुरंत सोनाली से कहा, क्या आपके पास सचमुच मेरी माँ की चीजें हैं? क्या है वो? सोनाली जवाब देती है, कुछ ज्यादा नहीं, मेरे पास तेरे माँ की कुछ फोटोज रखी हैं और उनकी कुछ इयररिंग्स रखी हैं जो वो पहनती थी। अनन्या के पास अपनी माँ की फोटो नहीं थी। जैसे ही उसने सुना कि उसकी माँ की फोटो सोनाली के पास है, उसने तुरंत कहा, मैं आज ही रात आपसे लेने आ जाऊंगी। सोनाली भी खुश होकर कहती, ठीक है फिर सीधा घर आ जाना, वहीं पर मिलते हैं। फोन रखते ही सोनाली के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती। उसने अपनी साजिश की पहली चाल बड़े अच्छे से चल दी थी। जिस वक्त अनन्या के पास सोनाली का फोन आया था, उस वक्त अनन्या आरम के साथ गाड़ी से वापस जा रही थी। पिछले कुछ दिनों में अनन्या ने आरम के साथ बहुत ही कीमती पल बिताए थे। आरम ने अनन्या की बातें सुन ली थी। वो अनन्या की तरफ देख कर कहता है, तुम आज रात को क्या ऊर्जा परिवार के यहाँ जा रही हो? अनन्या बड़ी धीमी आवाज में बोलती, हाँ मेरी माँ की कुछ पुरानी चीजें घर पर रखी है, मैं बस उन्हें ही वापस लेने जा रही हूँ। आरम उससे पूछता है, क्या तुम चाहती हो कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? अनन्या अपना सिर हिलाकर मना करती है और कहती है, नहीं कोई जरूरत नहीं, मैं खुद जाकर ले आऊंगी, इतने छोटे काम के लिए भला तुम्हारे जाने की क्या जरूरत। आरम को ये सुनकर थोड़ी तसल्ली होती है। उसको सुबह से उसके दादाजी का फोन आया था और उन्होंने उसे अपने पास बुलाया था। वो बोलता है, तो ठीक है, वैसे मुझे भी दादाजी के पास जाना है, उनकी सेहत का भी देख लूंगा, काफी दिन से उनसे मिल भी नहीं पाया हूँ, तुम वहां जाना तो अपना ख्याल रखना। अनन्या बड़े प्यार से कहती, हाँ ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। अनन्या को घर छोड़ते हुए आरम सीधा अपने दादाजी से मिलने निकल जाता है। अनन्या जैसे ही अपने घर पर जाती है तो उसे वहां एक सूनेपन का एहसास होता है। आरम के ना होने की वजह से उसे बड़ा ही अजीब लग रहा था। वो अपने मन में सोचती, आरम के दादाजी ने उसे अपने पास बुलाया, नहीं ऐसा तो नहीं कि नित्या ने हम दोनों के साथ रहने की खबर दादाजी तक पहुंचा दी हो, कहीं दादाजी आरम से हम दोनों के अलग होने की बात तो नहीं करेंगे। उसका दिल बहुत घबरा रहा था, पर उसने अपने दिल पर काबू किया और सोचा कि इस वक्त उसे पहले आहूजा परिवार में जाकर अपनी माँ का सामान लेना चाहिए। शाम के वक्त अनन्या आहूजा परिवार के घर पर पहुंचती है। उस वक्त पीके आहूजा और शिवम आहूजा दोनों बाहर ही बैठे थे। घर पर सिर्फ और सिर्फ दामिनी मौजूद थी। जैसे ही दामिनी ने अनन्या को वहां पर देखा, वो मुस्कुरा दी। उसने हंसते हुए अनन्या से कहा,
मैंने सुना है कि तुम्हारा और आराम का तलाक हो गया, ये बात सच है? अनन्या को इस बात पर थोड़ा गुस्सा आता है। वो गंभीर आवाज में कहती है, हाँ ये बात सच है। अब तो तुम्हें तसल्ली मिल गई होगी, सबसे ज्यादा खुश तो तुम ही होगी। दामिनी इस वक्त सबसे ज्यादा खुश थी। उसे यही लग रहा था कि आखिरकार भगवान ने उसके साथ न्याय कर दिया। वो मुस्कुराते हुए अनन्या से कहती, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, दूसरों की खुशियाँ छीनने वाले खुद कभी खुश नहीं रह सकते। अब जब तुमने मेरी खुशियाँ छीनी थी तो तुम्हें भी इसका हिसाब एक ना एक दिन तो देना ही था। अनन्या उससे बात नहीं करना चाहती थी। वो दामिनी से बात करके अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी। वो ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ने लगती है। दामिनी भी उसके पीछे पीछे आने लगती है। अनन्या सोनाली के कमरे का दरवाजा खटखटाती और पूछती, मैं आ गई हूँ मामी, आप माँ का सामान दे दीजिए। सोनाली अपना दरवाजा खोलती है और कहती है, वो कमरे में रखा है, आओ अंदर आओ और उसे ले जाओ। जैसे ही अनन्या अंदर घुसती है, अचानक से उसके मुंह से एक चीख निकल जाती। वो नीचे देखती है तो उसके चप्पलों में से कांच का टुकड़ा ऊपर निकल कर उसके पैरों पर लग गया था। सोनाली तुरंत उसको संभाल लेती, ओह माफ करना अनन्या, ये गलती से मुझसे कप टूट गया था, तुम ठीक तो हो ना? सोनाली ने तुरंत उसकी चप्पल निकाल दी। जिस कांच पर अनन्या के खून के धब्बे थे उसने बड़ी सफाई से उसे उठा लिया। सोनाली ने फिर से अनन्या से कहा, अनन्या मैं सचमुच तुमसे माफी मांगती हूँ, क्योंकि मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, मैं तुम्हारे पैरों पर पट्टी बांध देती हूँ। अनन्या को अपनी मामी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उसे यही लग रहा था कि सोनाली ने यह सब जानबूझकर किया। अनन्या को तकलीफ पहुंचाने में सोनाली और उसकी बेटी दामिनी को हमेशा से ही बहुत मजा आता था। उसने तुरंत मना करते हुए कहा, पट्टी बांधने की जरूरत नहीं है, आप बस मेरी माँ का सामान दे दीजिए। उसके बाद सोनाली ने अनन्या को कुछ फोटो और कुछ सामान दोनों दे दिए। अनन्या वो सारा सामान एक बैग में रखकर उसे बड़ी मुश्किल से उठाकर नीचे ले आई। वहां सोनाली ने बड़े ही ध्यान से उस सारे टूटे हुए कांच के टुकड़ों को एक कपड़े में बांध दिया। उसने अपने आप से कहा, चलो ये काम तो हो गया, अब मजे से उस खाट का इस्तेमाल करूंगी। अनन्या बड़ी मुश्किल से वापस अपने घर पहुंची। वो देखती है कि उसके चप्पलों पर बहुत ज्यादा खून बह चुका है। उसने बड़े गुस्से में कहा, माँ बेटी ने तो सारी हदें पार कर दी, जानबूझकर उन्होंने ये सब किया होगा ताकि मुझे तकलीफ पहुंचे, आगे से मैं कभी इनसे नहीं मिलूंगी। उसने मेडिकल बॉक्स से किट निकाला और अपने पैरों की सफाई की। अपने पैर पर पट्टी बांधने के बाद अनन्या ने वो बैग खोला। उसने अपनी माँ की वो तस्वीरें देखी जिसमें उनकी उम्र बहुत छोटी है। सबसे अच्छी बात ये थी कि अनन्या की माँ के साथ उसमें अनन्या की नानी की भी फोटो थी। बचपन से ही अनन्या अपनी नानी के बहुत करीब थी। दोबारा उनकी फोटो पाना अनन्या के लिए एक यादगार लम्हा बन गया था। वो खिड़की के पास जाती है और आसमान की तरफ देखकर कहती, माँ नानी मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे, मैं आप लोगों को बहुत मिस करती हूँ, काश आप लोग मेरे बचपन में कुछ पल और मेरे साथ रहते। ये कहते कहते अनन्या की आंखों में आंसू आ जाते। उसको आज अपनी माँ की और अपनी नानी की बहुत याद आ रही थी। वो अपने आंसू पोंछते हुए फिर से ऊपर देखते हुए कहते, आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करना, कि मेरे आंसू खुशी के आंसू हैं। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोगों के एकदम करीब पहुंच चुकी हूँ। अनन्या को भले ही पैर में कितना भी दर्द हो रहा हो, पर उसे इस बात की ज्यादा संतुष्टि थी कि कम से कम उसके पास अब अपनी माँ की एक तस्वीर तो है। अनन्या बार बार ये सोच रही थी कि उसकी जिंदगी में जितने भी लोग आए उससे दूर चले गए। उसे डर था कि कहीं आरंभ भी एक ना एक दिन उससे दूर ना हो जाए। अनन्या ये सोच ही रही थी कि तभी उसके दरवाजे की घंटी बजती। वो देखती है कि रहीम चाचा दरवाजे पर बाहर खड़े हैं। उन्हें देखकर उसके चेहरे पर रौनक आ जाती। वो तुरंत दरवाजा खोलती। रहीम चाचा के साथ दो हाउस हेल्प भी आई थी, उनके हाथों में एक बास्केट भी था। अंदर घुसते ही अनन्या से वो बोलते, छोटी मालकिन, छोटे मालिक ने आपके लिए डिनर लाने के लिए कहा था, ये लीजिए आपका मनपसंद खाना। ये सुनकर एक पल के लिए तो अनन्या हैरान हो गई। वो सोचने लगी कि क्या आरम जादूगर है। कुछ देर पहले ही उसे इतना बुरा लग रहा था कि उसकी जिंदगी में कोई नहीं जो उसका ख्याल रखे, और कुछ ही देर में आरम ने अपने प्यार का सबूत फिर से दे दिया। वो मुस्कुरा कर रहीम चाचा से कहती, आपका बहुत बहुत शुक्रिया,
सचमुच रहीम चाचा, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है। रहीम चाचा भी मुस्कुरा कर कहते, अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है छोटी मालकिन, ये तो मेरा फर्ज बनता है, आप मेरी बेटी की तरह ही तो हो। अनन्या भी मुस्कुरा कर रहीम चाचा से कहती, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, पर एक बात और है, आप दोबारा मुझे छोटी मालकिन मत कहिएगा, अब मैं आरम की बीवी नहीं हूँ। रहीम चाचा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है तो मैं अब आपको अनन्या मैडम कहकर बुलाऊंगा। रहीम चाचा टेबल पर खाना रख देते और अनन्या से कहते, अनन्या मैडम आप खाना खा लीजिए, मैं सफाई करवा देता हूँ। अनन्या तुरंत उनसे कहती है, हाँ उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद सफाई कर लूंगी, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई अजनबी इधर उधर घर में घूमे। ये सुनकर रहीम चाचा थोड़े घबरा गए, आरम ने साफ साफ उनसे कहा था कि वो सफाई करवा ले, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो आरम की बात सुने या अनन्या की।